अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज मैंने सोचा कि आप लोगों को 15A और 15B के बारे में थोड़ा सा गाइड किया जाए, क्योंकि अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि 15A और 15B में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ आज हम पूरा विज़िट करते हैं और पूरा आपको ड्रोन शॉट में दिखाते हैं कि कितनी डेवलपमेंट बैरियर टाउन कर चुका है और कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मौजूद हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए हम विज़िट करते हैं, आप भी ट्रिप इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करता हूँ। ये भी आप देखें, बैरियर टाउन कराची में कंटिन्यूसली रोडों का काम चलता रहता है। अभी आप ये देखें, प्रॉपर रोड कारपेटिंग करके कितने साफ़ सुथरे, सारी वाइट लेन्स इन्होंने कम्प्लीट की हैं, और ये येलो लाइन जो बाइक की लेन है, अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बैरियर टाउन तो आप जब भी आएँ, आपको हमेशा कोई ना कोई एक न्यू डेवलपमेंट मिल रही होगी। ये तो एक खैर पुरानी डेवलपमेंट है, लेकिन आपके साथ शेयर की जाए, ये जितने भी ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं बैरियर टाउन कराची में, इनकी सिर्फ एक की प्राइस की बात की जाए ना, तो 25,000 रुपये का एक खजूर का दरख्त है, अगर आप नॉर्मल बाइक करने जाएँ। और बैरियर टाउन पूरा का पूरा, आपकी टोटल की जितनी भी लेन्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और वो पांचवी खैर सामने मस्जिद के पास आप ये देख सकते हैं, टाउन कराची खजूर के दरख्त से भरा हुआ है। तो आप सोचें, अगर वो मिनिमम कॉस्ट पे भी परचेज करने गया होगा, तो आप सोचें कितनी से उसने इस चीज़ के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है। तो बैरियर टाउन कराची कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये नहीं सोचता कि मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, वो ये देखता है कि मैं कितनी खूबसूरती इस बैरियर टाउन को दे सकता हूँ। प्रेसेंट 15A पहुंच चुके हैं। ये मेरी जो अभी जिस स्टेज के ऊपर ये ड्रोन मौजूद है, हम बिल्कुल प्रेसेंट 15 और 15A के साथ कनेक्टेड रोड में मौजूद हैं। ये इनिशियल वाला एरिया जो आपको ये खाली नज़र आ रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल जोन है, और इसके फ़ौरन बाद की जो स्ट्रीट्स मौजूद हैं, जो कि स्ट्रीट 50, 51, आपकी स्ट्रीट 47, 49, ये पूरी की पूरी ऑन ग्राउंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट है। और ये सबसे अच्छी लोकेशन है, क्योंकि ये आप जैसे जानते हैं बिल्कुल प्रेसेंट 15 के बिल्कुल बराबर में, तो ये हाइट लोकेशन भी है और ऑन ग्राउंड पूरी की पूरी मुकम्मल बैरियर टाउन बना चुका है। हम जैसे ही ड्रोन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, आप जैसे देखें प्रेसेंट 15A में रोड 9 के बाद जितनी भी स्ट्रीट है, स्ट्रीट 53, स्ट्रीट 54, स्ट्रीट 55, 57, ये सारी स्ट्रीट आप जैसे देख सकते हैं अपने सामने, ये सारी की सारी बैरियर टाउन ऑन ग्राउंड रेडी कर चुका है। डेवलपमेंट अंडरग्राउंड, सारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछा चुका है, सब कुछ बैरियर टाउन कंप्लीशन की स्टेज के ऊपर है कि आप आइए, आप यहाँ प्लॉट लीजिए और आप घर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए लाइन के साथ की जितनी स्ट्रीट आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है, स्ट्रीट 44, 43, 42, 41, 40 और ये स्ट्रीट 39, ये पूरी की पूरी स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट 38 भी आपको ये शेप नज़र आ रहा होगा कर्व करता हुआ, ये वाली स्ट्रीट भी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। रोड 9 के बाद जो है, आप जैसे ये देख सकते हैं, रोड 9 के बाद का जो ये एरिया है, जो कि ये वाईफाई स्ट्रीट्स कहलाती हैं या इस तरह की, ये सारी अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, फ़िलहाल मशीनरी जो थी वो साइड पर थी, अगर मैं देखता हूँ ड्रोन में आपको शायद नज़र आ जाए, अदरवाइज़ ये पूरा एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा बैरियर टाउन यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, स्ट्रीट्स के ऊपर मार्किंग हो चुकी है, अंडर डेवलपमेंट है ये पूरा एरिया, तो बहुत जल्द आने वाले टाइम में ये भी बैरियर टाउन पूरा कंप्लीट कर देगा। अब ये हमने दूसरी तरफ से, अगर आप देखेंगे प्रेसेंट 16 से अगर आप आ रहे हैं या प्रेसेंट 14 से अगर आप आ रहे हैं, तो रोड 7 से मैंने ये कनेक्ट किया था। रोड 7 के बाद आपका रोड 7 वाला एरिया फिर भी बैरियर टाउन ने बनाया हुआ है। उसके बाद ये आपकी राइट हैंड साइड पे ये रोड 3 और ये जितने छोटे नंबर्स मौजूद हैं, जिसमें स्ट्रीट 8, 9, 10, 11, 12 हैं, ये कुछ भी नहीं बनी हुई, लेकिन आप अपने ये लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे ये भी आपकी स्ट्रीट नज़र आ रही है, ये इसके अंदर स्ट्रीट 22A, स्ट्रीट 21, ये सारी स्ट्रीट आप देख सकते हैं, ये सारी बन चुकी है। और यहाँ तक कि जो 14 के साथ भी जो कनेक्ट है रोड 3, वो वाली भी बैरियर टाउन बना चुका है, अंडर डेवलपमेंट है, पूरा रोड कंप्लीट नहीं किया हुआ लेकिन बना चुका है। लेकिन इसके बाद आप देखें, ये सारी स्ट्रीट जो हैं, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बनी हुई, ये प्रेसेंट 49 वाला एरिया है,
इसको हम स्किप करते हैं, बाकी ये कुछ भी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर परचेज करना चाह रहे हैं तो अब मैं आपसे बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की। देखिए ये सारा एरिया जो आपको अनडेवलप नज़र आया है या वो एरिया जो बन भी चुका है, अभी इस टाइम अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है आपके लिए कि आज आप जिस रेट के ऊपर परचेज करेंगे वो बहुत ही नॉमिनल मिनिमम प्राइस के ऊपर होगा, क्योंकि इसकी जो कनेक्टेड प्रेसेंट मौजूद हैं जैसे कि प्रेसेंट 14 और प्रेसेंट 15, उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट बात, यहाँ से मेन जामिया मॉस्क फेसिंग है, यहाँ से प्लॉट्स नज़र आते हैं, ये जिना एवेन्यू के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, प्रेसेंट 14 प्रेसेंट 15 इसके बिल्कुल बराबर में। अगर ये एरिया पूरा का पूरा फुली डेवलप्ड हो जाता है तो आप समझे अगर कोई भी बंदा मेन जिना एवेन्यू से आ रहा होगा तो सबसे पहला प्रेसेंट अगर वो नीचे वाले एरिया में लेगा तो शायद अली ब्लॉक से भी पहला प्रेसेंट ये प्रेसेंट 15 ए बन सकता है। तो 15 ए का जो एरिया है बहुत ही बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से भी और आने वाले घर के परस्पेक्टिव से भी। आपको आज के दिन ये तकरीबन आप समझें तकरीबन आप 34 से 42 लाख की रेंज में आपको अच्छे से अच्छा और जनरल प्लॉट मिल जाता है। तो बग़ैर सोचे समझे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप आइए इस लोकेशन को देखिए, जितनी एमिनिटीज़ जितनी चीज़ें बाकी प्रश्न में हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो इन्वेस्टमेंट और घर के लिहाज से बेहतरीन प्लॉट है। आप लोगों ने 15 और 15 बी की डेवलपमेंट अच्छी खासी देख ली होगी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को लाइव अपडेट दी जाए ड्रोन शूट करके, ताकि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकले कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप लोगों के पास लाइव अपडेट आती रहे मेरी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा।